आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 40,000 और मेरे हिसाब से बेस्ट वही होता है जो आपकी नीड को फुलफिल कर सके। मतलब आप कैमरा सेंट्रिक फोन चाहते हैं, गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहते हैं, या फिर ऑलराउंडर फोन चाहते हैं, या फिर स्टॉक एंड्रॉइड चाहते हैं, तो सब कुछ बताएंगे वीडियो में। बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहला फोन उन लोगों का आता है जिनको चाहिए एक ऑलराउंडर फोन जिसमें आपको कैमरा भी बेस्ट मिले, गेमिंग भी बेस्ट मिले, परफॉर्मेंस भी बेस्ट मिले, लुक लाइक में भी मिले और ऑक्सीजन ओएस के साथ हो। तो आप समझ गए होंगे वन प्लस का 11R ये जो फोन है मिलता है 39,999 में। इसमें मिलता है 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। बात करते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है, LPDDR4X वाला रैम, UFS 3.1 का सपोर्ट इसमें जो देखने को आपको मिलता है। डिस्प्ले वो 6.78 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले या फ्यूलेट डिस्प्ले वन प्लस इसको कहता है, जो कर्व डिस्प्ले है 120Hz के साथ आता है और इसका जो पिक ब्राइटनेस है 1200 nits से भी ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कैमरा देखने को मिलता है 50-60 2 मेगापिक्सल का, वॉइस सेंसर देखने को मिलता है जो एक बेस्ट कैमरा और वीडियो आपको रिकॉर्डिंग करके देगा। वही बात करते हैं सेल्फी की, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी और इसमें 100W का फास्ट चार्जिंग। और ये जो फोन है एक ऑलराउंडर फोन है जिसमें कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, बेस्ट कैमरा मिल रहा है और गेमिंग के लिए 120Hz का डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल रहा है, स्टोरेज भी जबरदस्त है और स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला प्रोसेसर। तो ये फोन आप ले सकते हैं 39,999 में, ये 8/256 के साथ आता है जिसको आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर फोन अगर चाहिए आपको अंडर 40,000 में तो इससे बेस्ट फोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगला फोन। अगला यूजर वो आता है जो हमारे जैसा वीडियो बनाता है, सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बेस्ट चाहिए, रील्स स्टिल्स वगैरह चाहिए और 4K रिकॉर्डिंग कर सके सेल्फी कैमरा से और आप अच्छा गेमिंग वगैरह भी कर सके और सब कुछ कर सके, मतलब सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बेस्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं वीवो का V27 Pro। ये जो फोन है 37,999 में मिलता है, 8/256 के साथ आता है। बात करते हैं क्या है। डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर, LPDDR4X वाला रैम, UFS 3.1 का सपोर्ट, यहाँ पर जो कैमरा है 50-60 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विथ OIS के साथ, लेकिन सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जिसमें 4K 30fps पे आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्फी में ये टेक्नोलॉजी दिया गया है और ऑटो आई फोकस वगैरह भी दिया गया है जो एक नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जाता है। 4600mAh की बैटरी, 67W का फास्ट चार्जिंग। ये जो फोन आप ले सकते हैं 37,999 में मिलेगा। इसमें सबसे जबरदस्त चीज है कि इसका जो डिस्प्ले है 120Hz के साथ 6.78 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर कैमरे में अगर देखा जाए तो सेल्फी कैमरा इसका वन ऑफ द बेस्ट है, डिस्प्ले इसका वन ऑफ द बेस्ट है और परफॉर्मेंस में डायमेंसिटी 8200। तो ये भी फोन ले सकते हैं अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा चाहिए तो। इस पूरे सेगमेंट में इससे बेस्ट सेल्फी कैमरा आपको दूसरे फोन में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं आप गेमिंग फोन। अगर 40,000 के अंदर में बेस्ट आपको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग करना है तो एक ही फोन आता है जो इस प्राइस टैग में वन ऑफ द बेस्ट है, iQOO Neo 7 Pro। 37,999 में मिलता है, 12/256 से ये स्टार्ट होता है जो काफी अच्छी बात है, मतलब रैम इतना ज्यादा दे दिया। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला प्रोसेसर, LPDDR4X वाला रैम, UFS 3.1 का सपोर्ट, यहाँ पर जो कैमरा है 50-60 2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000mAh की बैटरी, 120W का फास्ट चार्जिंग, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिलता है और डिस्प्ले जो है इसका वही 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के साथ आता है। तो ये फोन भी आप ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। आपको बेस्ट गेमिंग चाहिए तो 12GB का रैम, स्टोरेज भी जबरदस्त है, 8 प्लस जेन 1 वाला प्रोसेसर, 120Hz का डिस्प्ले, बस कैमरे में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन 120W का फास्ट चार्जिंग, मतलब फास्ट चार्जिंग भी आपको देगा। और iQOO का सबसे अच्छी बात यह है कि फोन हीट नहीं करता, कूलिंग चैम्बर बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। तो ये भी फोन ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए अंडर 40,000 में। चलिए बात करते हैं अगर आपको एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन चाहिए और 40,000 आपका बजट है तो एक ही फोन आता है इस प्राइस टैग में जिससे बेस्ट कैमरा आपको दूसरे फोन में देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं ओप्पो रेनो 10 प्रो, अभी लॉन्च हुआ है। बात करते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसका प्रोसेसर, इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर जो कैपेबल नहीं है 40,000 के हिसाब से, लेकिन यहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब गेमिंग आप कर लेंगे आराम से। यहां पर जो इसका डिस्प्ले है 6.78 इंच का फ्यूलेट एमोलेड डिस्प्ले, ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन, 120Hz का डिस्प्ले और इसका जो डिस्प्ले है वाकई में लाजवाब है, चिन्ह वगैरह जरा भी देखने को नहीं मिलता है। यहां पर बात करते हैं कैमरे की, 50-60 और 32 मेगापिक्सल
का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो जूम दिया गया है, जिसके हिसाब से 2S ऑप्टिकल जूम इसमें देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 46 mAh की बैटरी, 80 वाट का वुक चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो फोन है इसमें रियर का जो कैमरा है बहुत ही लाजवाब है, मतलब ऑप्टिकल जूम आप जितना भी कर लीजिए मस्त फोटो निकल के देगा, ब्लर वगैरह नहीं है और 2 मेगापिक्सल का चपकाया नहीं है। यहाँ पर 50, 8 और 32 का जो कैमरा दिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ आता है। तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं बेस्ट कैमरे के लिए। और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ओप्पो की आपको एक चीज़ आपको अच्छी लगती है कि यहाँ पर जो कैमरा ओप्पो निकाल के देता है, खासकर ये रेनो सीरीज़ में, ये सिर्फ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बनाता है और रेनो सीरीज़ में, जो काफ़ी लाजवाब रहता है। तो ये भी फ़ोन आप ले सकते हैं अंडर 40,000 में, 37,999 रुपये इसकी प्राइस है, जो आप ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है 12 GB रैम के साथ ये भी आता है, जो 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। तो इस तरह का कुछ है, तो ये भी फ़ोन आप ले सकते हैं बेस्ट कैमरे। चलिए बात करते हैं लास्ट फ़ोन, और लास्ट यूज़र उन लोगों का आता है जो एक ऑफिशियल बंदे हैं, आईफोन वगैरह चलाए हैं कभी, उनको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें लफड़ा नहीं हो, ऐड वगैरह, ब्लूटवेयर्स, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं हो, एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। तो पिक्सल का 7A 39,999 में मिलता है, 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टेंसर 2 चिप, जो एक कैपेबल चिप बोल सकते हैं, फ्लैगशिप चिप बोल सकते हैं। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 1,000,000 के अंदर आता है, ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो एक 190 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। यहाँ पर जो कैमरा दिया गया है 64+13 का रियर कैमरा दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, 4380 mAh के बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग, इस तरह का कुछ है। लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है, और पिक्सल का जो दो ही कैमरा है वो सबके बराबर होता है। तो बेस्ट आपको कैमरा, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर आप ऑफिशियल बंदे हैं, ऑफिशियल चीज़ चाहिए, तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भैया तिगड़म में नहीं रहते, एकदम ज़बरदस्त फ़ोन आपको लेना है तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो यही कुछ फ़ोन हुए जो 40,000 में सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट आपको दूसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि कैटेगरी वाइज हम बताए हैं, अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए तो वन प्लस का 11R ले लीजिए, अगर आपको बेस्ट गेमिंग चाहिए तो आइको का न्यू 7 Pro ले लीजिए, बेस्ट कैमरा अगर आपको रियर में चाहिए तो 10 Pro ले लीजिए, और अगर आपको सेल्फी कैमरा बेस्ट चाहिए तो वीवो का V27 Pro ले लीजिए, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और आपको एक ऑफिशियल फ़ोन चाहिए तो सीधा सीधी पिक्सल का 7A ये फ़ोन ले सकते हैं। तो यही 5 फ़ोन है जो अपने कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है। आपको कौन सा बेस्ट लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप हमारी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपको सही सजेशन देते हैं। और जो भी फ़ोन आप लेना चाह रहे हैं उसका अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह आप देख लीजिए, उसके बाद ही लीजिए, और हो सके तो उसका रिव्यू देखिए 10 दिन 5 दिन बाद किसी का भी देख लीजिए। और अगर हमसे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिए, हम आपको एक अच्छा कलेक्शन बताएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन के बारे में, मतलब पर्टिकुलर चाहिए, उस पर हम बताएंगे कि उसमें क्या परेशानी है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, सब कुछ बताएंगे। तो स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।